बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और भाइयों को इरफान साबिर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद गुजारिश है कि आज की हमारी वीडियो जो है बहुत ही ख़ास होने वाली है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो का उनवान है कोरोना के ख़िलाफ़ जंग। कोरोना वायरस, आपको पता है कि पूरी दुनिया को इस वक्त उन्होंने कोरोना वायरस ने अपने दबाव में लिया हुआ है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो भी परेशान हैं और आवाम भी परेशान है, क्योंकि फिल वक्त इसका इसकी ना तो कोई वैक्सीन निकली है और ना ही इसकी कोई दवाई जो है वो बनाई गई है। तो इस हवाले से लोग काफ़ी परेशान हैं, कारोबार ठप हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया है, और इस लॉकडाउन की वजह से जो गरीब तबकात हैं, खसूसन जो दिहाड़ीदार तबकात हैं, वो उनका क्या हाल है, ये बहुत ही एक नाजुक मरहला है। पाकिस्तान में उनका हाल बहुत ख़स्ता है, और वो बैठे हैं, काम उनका है कोई ना, और अगर उनका काम नहीं होता तो उनको साफ ज़ाहिर है कि उनका ख़र्चा कहाँ से आएगा। ये बहुत ही परेशानी वाले और टेंशन वाले जो है हालात हैं। इन हालात में ग़ुलाम रसूल भाई ने खसूसन उन्होंने और मैंने कोशिश की है कि हम इसमें अपना जो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकते हैं, तो हम इसमें अपनी कोशिश और काबिश जो है वो करना चाह रहे हैं, और दोस्तों पर तवक्को रखते हैं कि वो हमारी इस कोशिश और काबिश में हमारा साथ देंगे। तो आइए मिलते हैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनके पास इस हवाले से कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो क्या कुछ इकदाम करने जा रहे हैं। जी ग़ुलाम रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह की मेहरबानी है जी। पहली गल है अल्लाह तआला की ज़ात दे, बिल्कुल दुआ है अल्लाह तआला की ज़ात इस वायरस को नस्ल नबूद करे और आवाम भी आप हिफाजत करे, और यकीनन अल्लाह तआला की ज़ात भी है हिफाजत करने वाली। बाकी हुक्मरान हैं जितने वो कुछ हैं बिल्कुल करीदे पैन, तो साड़ी अपनी ये रिक्वेस्ट है बिल्कुल इतफाद पर भी खासकर साडा जिला बखर है जड़ा जी, ये पूरा लेबर के हिसाब नाल शायद पंजाब दे विच मैं समझना भाई ये पहले नंबर के उत्ते हो सी, क्यों इतने सैकड़ों के हिसाब के लेबरी हैं जो लेबरों के काम करी दिहाड़ी का काम करी। बिल्कुल, ये चीज़ और वादे है कि पूरे पाकिस्तान में लेबरें जो हैं वो बखर की काफ़ी मशहूर है। बखर का एरिया जड़ा इंतहाई यानी काफ़ी तो ज़्यादा देहाती एरिया है, शहर में आते हैं, हालांकि ज़िला बखर हो गया, दरिया खान तहसील है और मनकेरा है और कलूरकोट है, ये शहर चंद शहर हो रही है चाह वन जैसे जहान खान सराय महाजर वगैरह, यानी ये तरक्की याफ्ता लोग भी हैं जो शहर के बैठे उनके बिजनेस हैं अपने अपने। इस अलावा उन्होंने मिसाल है अपना जिंदगी का चाल और चलन ये जहा है भाई, एक महीना नहीं अगर एक साल भी उन्होंने रोज कोई रोजगार न चले तो उन्होंने कोई टेंशन नहीं जी जी। और मैं समझी ना भाई जे बाकी जितने भी देहाती एरिए हैं जेडे मैं समझी ना अगर उन्होंने आखा वे भाई शायद 50-40 हज़ार तो भी जैद लोग लेबरी तो वो गलत ना हो सी। सही है। और उन्होंने ना लेखा वाली गल देहाती एरिया है तो बिल्कुल एक बंदा दिहाड़ीदार है ना जी, ये काफ़ी असाब देहाती एरिए बैठे सदे दे रहे हैं, एक बंदा दिहाड़ीदार है तो यकीन उनके पिछु रोटी खाने वाले बंदे कम अज कम 4-5 बंदे बैठे हैं, फैमिली का कोई बुजुर्ग बैठा है उनका इंसान उसी बंदे पर ही है। अच्छा, एक आदमी अच्छा हो, और ईमान नाल भाई ये चीज़ दे दो एक इंतहाई बड़ा दिली सदमा पहुँचे भाई जे सारे अवांढ गवांढ पड़ोस के यानी 10-20 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक जिले के अंदर रात तो सजाण दे भी आए तकरीबन हर बंद न, तो इन्हें लोग जनाब वो बाहर ही चू अपने अपने घर से आ गए। अच्छा, वाजले घर में चार काम बंद होने की वजह से गवर्नमेंट की लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं, हर किस्म के जो कारोबार हैं वो बंद हैं, तो लोग आजकल अपने घरों में वापस आ गए। अच्छा, जेले वापस आ गए उन्होंने को लोग भी थोड़ा यानी इलाकाई हिसाब से घबराते भी हैं, बाजार तो सब बाहर आयो तो आंदे रहो, वो खुद भी आपको घर आना पसंद समझे पैन क्यों जो दिहाड़ी है कोई ना, तो उस दे बाद हर बंदा घर भी बैठा है, तो यकीनन
इतना है कि इंतहाई है कि उन्होंने आस्ते बुरा वक्त परेशानी का आलम और परेशानी का आलम है जेड़े दे आस्ते मैं समझदा भाई इरफान ते असाज सेहत सलाह की भाई प्रोग्राम दोस्तों ते साडा काम है पहुँचाना अस खुद आप चंद दोस्तों के नाल इतने जे कोई दसा दी कितनी वैल्यू है तो अस मिसाल उतनी अपनी पोजिशन के हिसाब न मैं समझदा भाई जो बुरे वक्त अगर एक इंसान के नाल ही बंदा भलाई कर गए तो हो सकते वह बख्शिश का जरिया बन वे तो लिहाजा अस दोस्तों दोस्त सारे सू इस चीज़ का यकीन है भाई सारे दोस्त इतमाद करी ने और इंशाअल्लाह ताला अस कदाई भी दयासी दोस्तों के इतमाद को यानी ठेस ना पहुँचाए सो और अगर कोई दोस्त यानी मुखैर हजरात मिसाल इस दयासी हेल्प करें तो अस उन्होंने घर घर बन के ही यानी ये चीज़ तो चाहिए भी पैसा हो उसकी कोई जिनस गिरनी है खावण का आटा चीनी घी वगैरह वो चीज़ा पूरी गिन के तो उस बंदे के घर तक पहुँचावनी है तो उस दे टाइम चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला वो टाइम भाई आपके पास क्या पैकेज है इस हवाले से आप किस हिसाब से आप इस कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे हाँ। गरीब लोगों को आप क्या हेल्प देंगे फैसिलिटी क्या देंगे अस ये चाहते पाए अस कम बेसी हाजिर पोजिशन है एक इतनी लंबी पोजिशन है इस दे कोई बंदा भी नहीं आ सकता भाई एक महीने का है वी दिन का खुदा न खास्ता लंबा भी हो सकता है तो साढ़े इरादा है अस जितने गरीब लोग हैं असाले को जितने बंदा का भी मटीरियल हो वे तो उन्होंने एक एक महीने का असा आटा घी दाल यानी जड़िया एक बुनियादी बुनियादी जरूरियात चीज़ा यानी एक माँ का राशन एक माँ का असर राशन अगर साढ़े को दोस्त मिसाल जितना भी साल मिसाल उतू हेल्प करे सन तो यकीन अस दोस्त तक तोड़ भी अगर उन्होंने पैसा वैसी एक रुपया भी अस खुद खाना हराम समझना बल्कि अस अपना जो टाइम लेसू या चंद यानी सौ या हज़ार अस जड़े जेब चू बरसा रहसूँ वो भी लेसू अपना कीमती टाइम भी जाया करे सू तो सिर्फ और सिर्फ नेकी आस्ते करे सू और वो दोस्त जितने भी हैं तो मैं अपनी जाती रिक्वेस्ट है असाडे उत्ते अगर इतमाद करें तो इंशाअल्लाह सब पूरे उतरसूँ इस अलावा गवर्नमेंट पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करी पे होर जमात भी करी पे उन्होंने भी मैं आप 100% मेरा अपना ईमान है ये जहाँ जो पैसा होंगे कोई बंदा खाँदा नहीं क्यों जो गरीबा वाला पैसे गिरी खासी तो यकीन उस बंद उस पैसा तले भी नहीं उत्ते नहीं आना तो असा भी नेकी जो वजह है इसमें तो इतना खौफ है कि मेरा ख्याल है कि कोई बंदा भी ये सोच भी नहीं सकता कि वो इस हवाले से कोई फ्राड या कोई दगाबाजी करे और अगर असाको सारी तरफ ये रिक्वेस्ट है लोग जितनी है हेल्प कर देवन तो यकीन अस यकीन मुतमैन करी दें बस 100% जैनियन गरीब तक पहुँचा दे सो क्यों मैं नहीं समझीदा गवर्नमेंट पाकिस्तान है ना या होर जमाती लीडर बैठे शायद वो भी उतने गरीब तक कोशिश ना उन्होंने करण के बावजूद ना पहुँच सकें जितने अस पहुँच सकते हैं फील्ड में एक बैठा हुआ बंदा हाँ। जो है वो हर बंदे को जानता है हर बंदे को ईमानदारी से हर बंदे तक उसकी औका हिसाब को समझ कर उस तक पहुँचा देगा गवर्नमेंट या फलाई इदारे या NGOs ये सब अपने थ्रू कोशिशें कर रहे हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हर बंदे तक पहुँचा जाए तो इस हवाले से दोस्तों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर फंड रेजिंग में हमारा साथ दें और इसके लिए हम आपको एक बैंक अकाउंट नंबर देंगे वीडियो के ऊपर स्क्रीन के ऊपर इसके अलावा एक इजी पैसा का अकाउंट देंगे एक जैज़ कैश का अकाउंट देंगे तो जो भी ये नहीं है कि लाजमी नहीं है कि कोई आप हज़ारों में या लाखों में इमदाद करें बेशक आप जितने हिसाब से भी आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हिस्सा ले सकते हैं और मेरी तरफ से गुजारिश है भाई बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हेल्प करें क्यों भाई मेरी अपनी जाती जिंदगी इतना मुश्किल वक्त यकीन अगर नहीं आया दुनिया के उत्ते और मुमकिन है अपने सदकात दिते हुए नाल अगले गरीब लोगों की जिंदगी बचाई वे और गरीब लोगों की जिंदगी बचावन नाल अपनी जाती भी जिंदगी बच वे और इस दे नाल बंदा अपना जन्नत का भी सही मन हकदार बन वे नेकी का हकदार बन वे तो बिल्कुल दिल खोल के तुम हिम्मत करो और इन जितना फंडिंग करे सो इंशाअल्लाह ताला अस खुद आप एक टेढ़ी पैसा भी उसको गलत तरीके नाल
बिल्कुल नलेसु 100% ही गरीब तक पहुँची इंदी से 100% यकीन ध्यान ही करें। ठीक है जी, ये हमारा पैगाम जो है ये तमाम दोस्तों तक पहुँच गया है, और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको मज़ीद आगे शेयर भी करें ताकि जो भी बंदा इसमें शामिल होना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए इस प्रोग्राम में शामिल होने का। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।